चिराग को स्केच बनाना आना ये एक बात है, पर उस कला को ऐसे अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। अगर उस लड़के की स्केच चिराग ने बना दी तो वो लड़का ज्यादा देर बच नहीं पाएगा। मिल जाएंगे तेरे पैसे, तू टेंशन क्यों न को मिली आहे ना पापा। हाँ काकू, यही है वो लड़का जो मेरे पास बैठा था। हमें एक चांस तो लेना चाहिए, हो सकता है कि इस लड़के का कोई रिलेटिव इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, और अगर उसे अब तक डिस्चार्ज नहीं मिला है तो पॉसिबल है कि वो यहाँ वापस आएगा। हाँ, हमें सबसे पहले इसकी कॉपी मनोज सर के थ्रू साइबर सेल तक पहुंचा देनी चाहिए। अश्विन भाई भी वहीं पर है, अगर ये स्केच उन्हें मिल गया तो काम आगे बढ़ेगा। चिराग एक काम करते हैं, पहले इसकी फोटो कॉपीज निकालते हैं और इसका स्कैन भी करते हैं। आप दोनों को यहाँ रहना चाहिए, दीप्ति ने उस लड़के को देखा है, अगर वो यहाँ पे वापस आया तो दीप्ति पहचान लेगी। चल चिरा। मैं पानी भी कराती हूँ, आपके लिए लाओ पानी। थैंक्स। चिराग, अब इसे पकड़ना आसान हो जाएगा। शिंदे, ये फॉस्टर है, इसकी कॉपीज निकाल के देना मुझे, मैंने तुम्हें मोबाइल पे भेजी है, और देखो इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड निकलता है क्या। जी सर। एज देखो इसकी, इस उम्र में से काम कर रही है। पुलिस स्टेशन में फोटो पहुंच गई है। शाम होने आई, लड़का अभी तक नजर नहीं आया। तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए, हम दोनों वहां ढूंढते हैं, आप दोनों वहां ढूंढो। चल। ये आपने इसे कहीं देखा है? कौन है ये? ये मेरा भतीजा है, घर से झगड़ा करके चला गया है। लगता है भाई साहब आप गलत जगह आ गए हैं, ये अस्पताल है पुलिस स्टेशन नहीं। गुमशुदा की रिपोर्ट आपको वहां जाके करनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, क्या है कि इसकी माँ यहाँ अस्पताल में एडमिट है, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ ढूंढने आया हो। अब आप समझे कि मैं पुलिस स्टेशन के बजाय यहाँ पे पूछताछ क्यों कर रहा हूँ। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो ना, मुफ्त में सलाह क्यों बांटते हो? अरे
हाँ बोल पुष्पा। क्या हो रहा है वहाँ कोटे से के? कोई खबर? चिराग ने जो स्केच बनाया था ना उसे दिखाकर हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ अश्विन साइबर सेल वालों के साथ है। पुलिस तक भी ये स्केच पहुँचा दिया गया। तू टेंशन मत ले, जैसे ही कुछ पता चलता है तुझे कॉल करता हूँ। माले क्या कुछ पता नहीं चला है काकू? अभी तक ऐसे घर पे बैठे रहने से ना कुछ नहीं होगा, मुझे भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। राशि प्रार्थना तुम दोनों घर पर रहो, मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। लेकिन मम्मी वहाँ तो ऑलरेडी सब लोग हैं, आप जाकर क्या करेंगी? आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना। अगर मैं रेस्ट करती रहेगी ना तो वो लड़का निकल जाएगा हाथ से। अपने पैसे गए ना तो दौड़ना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। बच्चे भगवान की देन होती है, ऐसे छोड़ के मत जाओ, जमाना बहुत खराब है, मतलब कुछ भी हो सकता है बच्चे को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पर पता ही नहीं चला इसका हाथ कब छूट गया। बड़ी मन्नतों से मिला है ये हमको, अगर इसे कुछ हो जाता मेरी तो चाहनी निकल जाती, और इसमें तो इसके पापा की जान बसती है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहन। संभालिया तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो सुशीला को लेकर मंदिर गया था ना, अब उसका बात क्या है? बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, तुम दोनों परेशान रहते हो, टेंशन साफ नजर आती है तुम लोगों के चेहरे पर। अरे बता देना तू क्या आज से जानता है क्या मुझे? अब तो समझन भी हूँ मैं तेरी, सुशीला की सहेली हूँ, बोलना क्या बात है बापूदरा? सुशीला की दवाई लेने आया था बापूदरा। दवाई? क्या हुआ सुशीला को? और वो है कहाँ? गायने की क्लिनिक पे, ऑपरेशन आज है उसका। कैसा ऑपरेशन? अरे बोलना, जान हलक नहीं अटकी है मेरी। वो सुशी प्रेग्नेंट है। हम ऑपरेशन के लिए रेडी हैं, आप अंदर आ जाइए। सुशीला प्रेग्नेंट है? ये तो क्या बोल रहा है बापूदरा? तुम दोनों इस उम्र में पायलट चढ़ाना रोड बापूदरा? अब ऐसे क्या दिख रही है बापूदरा को? हो गई गलती अब कि समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। पुष्पा सुशी एबोर्शन करवाना नहीं चाहती, गलत तो बापूदरा को भी लग रहा है, लेकिन बच्चा करना भी तो सही नहीं है ना। क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सॉलिड दुविधा है पुष्पा। अभी उस बच्चे को गोद में उठाया ना तो ऐसा लगा जैसे कि एबोर्शन करवा के पाप करने जा रहा है बापूदरा। ऐसा लगा कि खुद के बेटे को उठा रहा है और वो रो रहा है कि पापा प्लीज ऐसा मत करो। लोग व्रत उपवास रखते हैं, मन्नत मांगते बच्चा पाने के लिए, और हम ये क्या करने जा रहा था बापूदरा? ये सही नहीं है, इस एबोर्शन को रोकना पड़ेगा पुष्पा। अब अभी कभी क्लिनिक जाना पड़ेगा। एक मिनट बापूदरा, एक मिनट, ये छोटी बात नहीं है, याद रखना। महीने आगे बढ़ गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से सोच ले। तू श्योर है? श्योर, 100% पक्का। मन का चुकादा आ गया है, ये बच्चा नहीं गिराना है बापूदरा को। अरे वायड़ा, तो फिर सुशीला को फोन करके बता कि तूने अपना फैसला बदल दिया है, जल्दी कर। स्विच ऑफ आ रहा है। ईमान है, चल चल चल। ये रिक्शा किसका है भाई? किधर गया? ये रिक्शा किसका है भैया? रिक्शा किसका है? रिक्शे वाले भैया, भाई सवारी आ गई, आने दे। शांति से चाय भी नहीं पीने देते, चाय पीऊंगा बाद में जाऊंगा।
चल मम्मी बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर ले वरना भूल जाएगी। बनकर क्या हुआ? एक बात बता, बाइक चलाने में और ऑटो चलाने में क्या फर्क होता है? अरे ज्यादा फर्क नहीं है, बाइक भी सेल्फ से स्टार्ट होती है, ऑटो भी सेल्फ से स्टार्ट होता है। उसका गियर हाथ में होता है, ऐसे 1 2 3 दोनों का आगे का ब्रेक हाथ में होता है और पीछे का ब्रेक पैर में होता है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। चल कोई नहीं दिख रहा है, चल पापा जा। हां रिक्शे में बैठ। अरे बैठ जा। अरे लेकिन बैठ क्या? अबे मित्र वो तेरी ऑटो लेगी। ए ए ए मेरा ऑटो। ए ए ए अरे आराम से आराम से, पहले तू ऑटो चलाती थी क्या? खरे-खरे इम्पॉसिबल छे तू। अरे मत मारी गई थी क्या तुम दोनों की बापोदा? इस उम्र में ऐसी गलती कैसे हो जाती है? मुझे बस सिखा, अभी भी बच्चों की शादी हुई है, नाना नानी बनने की उम्र में बाबा बनने चले, ढेर सपा बनने। अरे संभाल, और गलती हो भी गई तो उसे सुधारने के लिए उससे भी बड़ी गलती। अरे ऐसा गुनाह करने की सोच भी कैसे ली तुम लोगों ने? अरे गुनाह तू कर रही है, दूसरे का ऑटो चुरा के धीमे चला मारी माँ। शट अप। अरे हॉस्पिटल के नाम बोल। सारथी क्लिनिक। अरे ऑटो हेलीकॉप्टर नहीं, आराम से चला। आगे आ गया, आगे आ गया। अरे दिख रहा है मुझे, धीमे चला तो, धीमे चला। अरे टाइम है। अरे सिस्टर वो पेशेंट। सिस्टर एबॉर्शन हो गया है, 1 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना। जी डॉक्टर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।